स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी एस बी गोयल्स। आपकी बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डेली नया कर रहे होंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं जिनका हम साथ ही साथ रिविज़न और उनको देखेंगे। कोबेस क्या है? ये COBES कोबेस 6800 कोबेस 6800 ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड COVID-19 टेस्टिंग मशीन। मतलब जैसे कि आज तक COVID-19 के लिए कोई एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं यूज़ की गई थी, बट कोवैस 6800 ये एक ऑटोमेटिक, बस इसमें सैंपल डालो, रिएजेंट उसमें ऑटोमेटिक रहते हैं, मतलब सबको लगाना पड़ता है और ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट 2020। आइए देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। इंडिया अटेंड कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीट्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सबमिटेड ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब सबने अपने अपने एक तरीके से बोले तो विचार रखें। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज इन रिन्यूएबल सेक्टर कितना पहुंच गया है वो 500 से लेकर 700 बिलियन USD तक। GI टैग प्रोवाइड टू तेलंगाना टेलियल रिमल और झारखंडी सोराई खोवर पेंटिंग। ये सोराई खोवर पेंटिंग और आपका तेलंगाना का तेलिया रूमल, एक कपड़ा टाइप का, इसको आगे सब कुछ देखेंगे। व्हाट इज़ इवेंट बोल्ट मॉलवेयर इन न्यूज़ रिसेंटली, सब लोग सुन रहे होंगे आज पे, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको सुनाई दिया, मतलब इस शब्द के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। व्हाट इज़ इवेंट बोल्ट मॉलवेयर, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। हाँ, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, आगे इसको देखेंगे, कवर करेंगे। तो कुछ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इफ़ आई टॉक अबाउट माई अन अकेडमी एक्सपीरियंस, माई रेटिंग वॉज 96% और वहाँ पर मैं टॉप एजुकेटर की लिस्ट में भी रहा हूँ। अगर बेस्ट कमेंट्स की बात कर लेते, यू कैन डू इट, अगर मैं बोलूँ आपने सबसे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, गॉड ब्लेस यू, 10 out of 10 स्टार स्टूडेंट अवार्ड गोज टू यू कैन डू इट। मुझे आपका नाम नहीं पता बट आप हमेशा सारे काम बहुत अच्छे करते हैं। चेताक्षी दबे, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया आपने भी क्वेश्चन सिलेक्शन किए, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच, ये सब कुछ आप लोगों के लिए। अरुणिमा जी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, आप बड़े दिनों बाद दिखे, आपका कमेंट रेगुलर बेसिस पे दिखना चाहिए अरुणिमा जी, क्योंकि क्या है कि आपकी इससे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करंट अफेयर आप कहीं से ही पढ़ लेंगे, पर आप करंट अफेयर के पीछे छुपा हुआ जीके आपको मेरी वीडियो में मिलेगा, ठीक है, जो आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव करेगा। ठीक, तो आइए अपने फर्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये रही ऐसी मशीन कोवैस 6800, ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। आइए देखते हैं क्या, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटिक COVID-19 टेस्टिंग मशीन। अगर आप, मतलब ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। 14 May 2020 द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेट द कोवैस 6800 RT-PCR मशीन टू द नेशन, मतलब रियल टाइम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन मशीन। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। प्लीज़ नोट इट, द मशीन इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड एंड परफॉर्म हाई एंड RT-PCR टेस्ट। ठीक है, देखिए RT-PCR एक तो रियल टाइम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन दोनों हैं इसके। ठीक है, देखते हैं द मशीन विल, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, द मशीन विल हेल्प टू इंक्रीज द टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, इट हैज़ बीन प्लेस एट नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, यहाँ पर रखी गई दिल्ली में। द मशीन कैन ऑल्सो डिटेक्ट अ पैथोजन सच एज हेपेटाइटिस, क्लमाइडिया, HIV, पेपिलोमा, MTB, क्लमाइडिया, CMV, नेसेरिया एक्सेट्रा, COVID-19 के अलावा इन सारे टेस्ट को भी परफॉर्म करने में सक्षम है ये मशीन। द मशीन विल प्रोवाइड हाई वॉल्यूम टेस्ट, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ टेस्ट रिजल्ट ऑफ 1200 सैंपल इन 24 आवर्स, दस द मशीन विल हेल्प टू इंक्रीज इन टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। अब बात कर लेते हैं, मशीन इज इनेबल्ड विद रोबोटिक्स, इट विल हेल्प मिनिमाइज कंटामिनेशन एज इट इन्वॉल्व वेरी लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन, अब कंटामिनेशन भी नहीं फैलेगा क्योंकि बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, सैंपल वगैरह यहाँ सेट कर दो, ठीक है ना, और मशीन इतनी अच्छी है कि जो इसमें वेल्व लगाते हैं ना, जिसमें ब्लड सैंपल रहता है, वो वेल्व आगे सब सैंपल खत्म हो जाता है, धुल के लास्ट में उनको मतलब डिस्पोज भी कर दिया जाता है तुरंत धुल धुला के। ठीक है ना, द मशीन इज इनेबल्ड विद रोबोटिक्स, इट विल हेल्प मिनिमाइज द कंटामिनेशन एज इट इन्वॉल्व वेरी लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन, इट इज़ द फर्स्ट मशीन इन इंडिया दैट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। अब ये नहीं कि ये सिर्फ पहली ऑटोमेटिक मशीन है, ये फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन है COVID-19 के केस में। ठीक है, वॉट इज NCDC, नेशनल सेंटर फॉर
डिजीज कंट्रोल, ये आपका दिल्ली में है जहाँ पर ये मशीन रखी गई। मशीन हैज़ बीन प्लेस्ड इन NCDC एज इट रिक्वायर बेसिक सेफ्टी लेवल 2 टेस्टिंग फैसिलिटीज़। आपको मैं बेसिक सेफ्टी लेवल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। देयर आर 4 बेसिक सेफ्टी लेवल दैट आर फॉलोड इन द कंट्री, अपने कंट्री में 4 बेसिक बायो सेफ्टी लेवल फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें ये मशीन अंडर 2 में आती है। बायो सेफ्टी लेवल 2 एनफोर्स इन दोज लेबोरेटरी दैट वर्क विद एजेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज, समझ गए। और ऐसे एजेंट जो ह्यूमन डिजीज, मतलब कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, दीज लेबोरेटरी शुड हैव अप्रोप्रिएट PPE पर्सनल प्रोस्पेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स, शिंग, आई वॉश, बायो हैजार्ड वेयरिंग सिंग्स, सेल्फ लॉकेबल डोर, मतलब समझ गए कि जब कोई अंदर घुसा तो ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर शिंक भी रहेंगे बड़े बड़े हाथ वगैरह धोने के लिए, और बॉडी को पूरा क्लीन करने के लिए सब कुछ वहाँ पर रहता है। बायो सेफ्टी लेवल 2 है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट 2020, देखते हैं क्या है। द यूनाइटेड नेशन recently released the World Economic Situation and Prospective Report 2020. According to the report, the world economy is to shrink. उनके हिसाब से कितनी shrink हो जाएगी world की economy? 2.3.2% in 2020. The GDP growth in developed country will be decline to -0.5% in 2020. Developed nation की जो GDP है वो इतनी कम हो जाएगा, और ऑल ओवर वर्ल्ड की कितनी shrink करेगी? 3.2, ठीक है ना। हाईलाइट भी फोकस करेंगे, हाईलाइट जो कि इंडिया से रिलेटेड है। द रिपोर्ट सेज दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2018 वाज 6.8% एंड इन 2019 इट वाज 4.1%। इट विल रिड्यूस टू 1.2%, और कितना कम हो जाएगा 2020 में? 1.2%। द रिपोर्ट प्रिडिक्ट दैट द ग्रोथ ऑफ इंडिया विल राइज इवेंचुअली इन 2021 बाय हिटिंग, मतलब कहना ये है कि इंडिया की ग्रोथ जिस हिसाब से, मतलब जैसा कि देखा जा रहा है इस टाइम इतनी ज़्यादा स्कीम्स निकल रही हैं, तो उन्होंने देखा कि 2021 में तो नॉर्मल रहेगी, ठीक है ना। बाकी 2020 में अगर बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो 5.5% से ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। मतलब कहने की बात क्या, हिट कर सकती 5.5 तक, ठीक है। अब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी इज टू ग्रेजुअली रिकवर बाई 2021, सच बात है ये 2021 तक पूरी रिकवर कर पाएंगे। द वर्ल्ड इकोनॉमी विल लूज अराउंड $8.5 trillion ड्यू टू COVID-19. Also, the global economy is to shrink by 4.9% in 2020. Around 34.3 million people are to enter below the poverty line in 2020. मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल रहे हैं कि लॉस भी हुआ, इकोनॉमी भी गिरी, और पॉवर्टी लाइन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के ज़्यादातर लोग नीचे आएंगे, 34.4 million. Also, the report says that several government are rolling up to uneven fiscal stimulus measure that roughly equal to 10% to their GDP to minimize the क्राइसिस क्रिएटेड बाई COVID-19. मतलब लोग अब, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो सरकारें हैं वो अपने GDP का कुछ कुछ परसेंटेज मतलब लोगों के भलाई के लिए लगा रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि जो क्राइसिस हो रही है उसको कम से कम किया जाए, ठीक है ना। अब ऐसा तो नुकसान तो हो ही गया, और गवर्नमेंट जो भी स्कीम पैकेज वगैरह निकाल रही है तो उससे क्या है कि कुछ ना कुछ भरपाई हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता सारी भरपाई हो जाए, पर कुछ ना कुछ भरपाई हो जाएगी। सॉल्यूशन सजेस्टेड, क्या क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए हैं। द रिपोर्ट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग सॉल्यूशन टू कॉम्बैट COVID-19. देखें क्या क्या है। द COVID-19 इज डिस्टर्बिंग फंडामेंटल प्रीमिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयरफॉर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द वायरस। मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से सबको साथ मिलकर आने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस हिसाब से अगर बात करी जाए कि ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी बात हो रही थी कि सारे देश एक दूसरे का साथ देंगे, बट यहाँ पर सारे देश एक दूसरे का साथ नहीं देकर अपना ही, कहीं ना कहीं अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना ही साथ दे रहे हैं। मोर लिक्विडिटी शुड बी पम्प्ड इनटू इकोनॉमिक, मतलब लोग अगर पैसा खरीद, मतलब चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे ज़्यादा, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, उसे पास में ना रखे तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी। अब जैसे कि मान लें अगर गवर्नमेंट 1-1 lakh rupees सबको देती है, और लोग वो 1-1 lakh rupees अपना सेव करके रख लेते हैं, तो उससे गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इकोनॉमी अपनी कोई भी बूस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो रुपए देती है वो इसी शर्त पे देती है कि लिक्विडिटी बढ़े, लोग पैसे खरीदें बेचें इधर उधर लगाएं, ठीक है ना, अपनी चीज़ें खरीदें उसे बेचें, मतलब इस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल टूरिज्म शुड गिव फोकस, अराउंड 80% ऑफ द टूरिज्म हैज़ बिकम आइडल रेंडरिंग मिलियन जॉबलेस। कहने की बात क्या कि तकरीबन अगर बात करी जाए तो अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो ये एक तरीके से विकलांग हो गया है, क्योंकि लोग इधर उधर जाना छोड़ दिए हैं, तो अब लोग इधर उधर जाना छोड़ दिए COVID-19 की वजह से, तो टूरिज्म सेक्टर है तो बिल्कुल एक तरीके से ठप पड़ गया। तो लोग वहाँ पर, यहाँ तो अराउंड अगर बात करें 80%, तो मैं तो कह रहा है 100% लोगों की जॉब चली गई है,
जो टूरिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है। इंडिया एंड कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री मीट क्या है इसमें, ऑन 14 मई 2020 इंडिया अटेंड 32th कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द फॉलोइंग थीम, क्या थी थीम इस बार की ये जरूरी जानना, डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ COVID-19 रिस्पॉन्स। आइए देखते हैं इसको पूरा कि क्या है क्या नहीं। प्लीज़ नोट इट द नंबर द मेंबर कंट्रीज शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लेसन टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। जितने भी जो मतलब कंट्रीज थी उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, भाई हमारे यहाँ तो ऐसे हो रहा है। तो इस तरीके से दे ऑल्सो डिस्कस ऑन द एसेंशियल कलेक्टिव एंड नेशनल एक्शन। द मिनिस्टर मेड रिकमेंडेशन टू मेक श्योर दैट अनरीच्ड पॉपुलेशन आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जिन तक हम पहुँच नहीं पा रहे उनको ऐसा नहीं कि हम ऐसे खाली छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, सब पे ध्यान देंगे। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई दी फिजी मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस डॉक्टर एफरेमी वो कहना बेटी, ठीक है। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया एट द मीट शेयर इट्स मेजर इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 क्राइसिस। द फॉलोइंग वर प्रेजेंटेड बाई डॉक्टर हर्षवर्धन एट द मीट। आइए देखते हैं क्या, इंडिया हैज़ अनाउंस इकोनॉमिक पैकेज $265 बिलियन सो फॉर टू सपोर्ट इकोनॉमी रिकवरी, ठीक है। मतलब ये कंट्रीब्यूशन इंडिया के कंट्रीब्यूशन क्या थे मीटिंग में बताएं। इंडिया इज करंटली एट द फेज ऑफ ईजिंग डाउन लॉकडाउन, मतलब इंडिया इस टाइम कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन को थोड़ा सा सरल किया जाए। इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट ग्लोबल एक्शन इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 बाई कन्वीनिंग द मीटिंग ऑफ SARS नेशन। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टू ऑलमोस्ट 100 कंट्री डेट वर अर्जेंटली, मतलब इन सारे लोगों को जिन जिन तकरीबन 100 देशों की अगर बात करें जिन जिन को ज़रूरत थी हमने उन सब तक हाइड्रोक्लोरोक्वीन पहुँचाई। कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं, कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग कंप्राइजेज ऑफ 54 कंट्रीज, जरूरी है ये नंबर जानना। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1926, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू अ लंदन डिक्लेरेशन इन 1949, ये भी जरूरी जानना। द आइडिया ऑफ द ग्रुपिंग वॉज इनिशिएटेड बाई द ब्रिटिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सबमिटेड ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सबमिटेड ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, देखते हैं क्या। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी formed under the leadership of social justice and empowerment minister recently submitted its draft proposal on employment and skill development. Proposal made, dekhte hain kya kya hua. The following proposal made by the draft kya hai dekhte hain. The draft has proposed that land pooling model, isme kya hoga, the model is being used to a greenfield airport. The proposal suggested that a model in agriculture to enable a cooperativization, this will increase demand of skilled labor. Also the draft suggests merging manrega, aur kehne ki baat kya, ek tarike se logon se bola gaya wahan jitne ministers the ki aap log apne apne sujhav rakhiye, to logon ne ye bhi bola ki jo manrega hai along with skill development program this will expand manrega to industries and MSME. कहने की बात क्या, मनरेगा को सिर्फ रोड खोदने तक, खड्डे खोदने तक, रोड बिछाने तक ही सीमित ना रखे, उनको थोड़ा सा स्किल भी प्रोवाइड कराए जाए और उनको MSME में भेजा जाए, ठीक है। बाई दिस कॉस्ट ऑफ वेग शैल मेड अ कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव लोकल एम्प्लॉयमेंट वेव। कहने की बात क्या, इससे क्या होगा कि देखो उनकी पगार तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, अब उससे क्या होगा साथ ही साथ में एक एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादातर जनरेट होगा, ठीक है ना। जब जैसे मान लीजिए सारी लेबर की अगर स्किल की बात करें, सारी लेबर की स्किल एक जैसी नहीं होगी, जिसकी स्किल अच्छी होगी तो हम उसे इंडस्ट्रीज़ में और MSME में भेज सकते हैं, ठीक है। इट सजेस्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट अ रिवर्स रेपो रेट, कितना पूरा ख़त्म करते हैं 0%। दिस वेंट डन फॉर फ्यू मंथ्स विल इनिशिएटिवाइज बैंक। कहने की बात क्या है कि तकरीबन जो उनका रिवर्स रेपो रेट है उसको ज़ीरो कर दे कुछ महीनों के लिए, जिससे कि क्या रहेगा कि बैंक भी अपनी सारी लाइन पर आ जाएंगे, जो लोग भी वहाँ से जिनका कैश फ्लो है वहाँ से वो भी अपना लाइन पर आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी एक तरीके उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी। द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज़ बीन प्रपोज्ड, दिस विल हेल्प द माइग्रेंट वर्कर एट ए लार्ज एक्सटेंट। इट ऑल्सो सजेस्ट इस्टेब्लिश अ माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर फंड। It suggests providing a cottage industry status to
फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दैट आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब कहने की बात क्या है कि मतलब जैसे कि बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ले लें, उसके बाद बात कर लें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, उन पर ज़्यादा ध्यान देने का है, मतलब उनको ज़्यादा फोकस करने का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम कुछ भी ना करके मतलब फूड इंडस्ट्रीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके को सजेशन दिए गए, एक बार आपने दोबारा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है ये? द ड्राफ्ट हैज सजेस्टेड एनरोलिंग एवरी माइग्रेंट वर्कर अंडर द प्रोग्राम। जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं सब इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर होने चाहिए। दिस विल हेल्प हिम टू गेट एसेज अ कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज। अब मान लीजिए जो भी चल के आए वो बीमार हो जाए तो इससे क्या होगा, उनको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इट इज टू नोटेड दैट द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज बीन इन्वॉल्व इन COVID-19 फाइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, द प्रपोजल है सजेस्टेड टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस विल हेल्प टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल सेक्टर, जैसे आप देख रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर में इंडिया अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है, तो उसकी जो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ की है, कितनी, 500 से लेकर 700 बिलियन USD तक। द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पब्लिश स्टडी अकॉर्डिंग टू विच इंडिया हैज इंक्रीज इट्स पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू 500 टू 700 बिलियन USD। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सोलर पावर इन द कंट्री। प्लीज नोट इट, थोड़ा सा ध्यान देना, हो सकता है इससे इस बार कुछ पूछा जाए, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर में इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है ना। इसने बहुत सारे क्या कहते हैं टैक्स भी कम किया है, और जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनकी सेल पर भी सब्सिडी दी है, बहुत सारी नई नई चीज़ें की हैं। तो हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान से पढ़ें। प्लीज़ नोट इट, अकॉर्डिंग टू द स्टडी अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आगे दिखाऊंगा, इन द कंट्री हैज़ अट्रैक्टेड फॉरेन कैपिटल। द भादला सोलर पार्क इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। इट इज़ स्प्रेड ओवर 14,000 acres। द कैपेसिटी ऑफ द पार्क इज 2,245 megawatt ऑफ पावर। ये देखिए, ये जो आपको मैं पिक दिखा रहा हूँ ये राजस्थान की है। आइए देखते हैं क्या आएगी। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट पावर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट पार्क वॉज फ्रेम्ड बाई इंडिया इन 2016। द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, मतलब पूरा समझ रहे हैं कि सोलर पैनल वगैरह लगे रहेंगे अगर पार्क नाम से, तो क्या रहेगा वहाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिससे लोग वहाँ पर आएँ विजिट करें उसे, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेट अ टारगेट टू सेटिंग अ 40 इंडस्ट्री सोलर पार्क विद अ कैपेसिटी ऑफ 20 गीगावाट। द टारगेट वॉज डबल टू 40 गीगावाट इन 2022। द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इन्वॉल्व द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज मेनली बिकॉज लार्ज एरिया ऑफ लैंड नीड टू बी एक्वायर्ड टू सेट अप अ सोलर पार्क एज वी नो, एंड सिंस लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट शुड सर्टेनली इन बी इन्वॉल्व। कहने की बात क्या, अगर इसे लगाने के लिए मेगा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो कि सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड है, उस पार्क को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जगह की ज़रूरत होगी, जगह कहीं ना कहीं स्टेट की होगी, तो इसीलिए स्टेट को हमें ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, GI टैग प्रोवाइड अ तेलंगाना तेलिया रोमल एंड झारखंड अ सोराई खोवर पेंटिंग। क्या है ये सोराई खोवर पेंटिंग और क्या है ये तेलिया रोमल, देखते हैं क्या। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रोवाइड GI टैग टू तेलिया रोमल ऑफ तेलंगाना एंड सोराई खोवर पेंटिंग ऑफ झारखंड। देखो इस बार GI टैग खूब मिले हैं सबको, तो याद रखना किसी ना किसी से एक बार आ सकता है, एक लिस्ट बना लेना, ठीक है ना, GI टैग की, फिर चाहे वो टेराकोटा हो, फिर चाहे वो कदले मिठाई हो, सबका एक बार लिस्ट बना के रख लेना, ठीक है, हो सकता है पूछा जा सकता है। प्लीज़ नोट इट, द एप्लीकेशन फॉर द सोराई खोवर पेंटिंग ऑफ झारखंड इज मेड बाई अ सोरा काला महिला विकास सहयोग समिति, इनके द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ द तेलिया रोमल ऑफ तेलंगाना वॉज मेड बाई द कंसोर्टियम ऑफ उत्तपक हैंडलूम क्लस्टर। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता चला होगा कि ये कपड़ा नहीं है, और ये जो कपड़ा है रोमल वो आपका कपड़ा है, मतलब समझ गए ये हैंडलूम से रिलेटेड है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या बात है फिर आगे बताऊंगा कि इसमें ये तीन ही कलर यूज होते हैं। आइए देखते, पहले इसको देख लेते हैं सोराई खोवर पेंटिंग को। द पेंटिंग इज क्रिएटेड बाई लोकल ट्राइबल वुमेन इन झारखंड। इट इज अ ट्रेडिशनल एंड अ रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट
द पेंटिंग इज प्रैक्टिस ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ हजारीबाग, ये जरूरी है. इट इज क्रिएटेड ओनली ड्यूरिंग मैरिज एंड अ हार्वेस्ट सीजन. द ट्राइबल वुमेन यूज नेचुरली अवेलेबल सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर. समझ गए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई पेंटिंग नहीं है, इसमें मिट्टी और उसमें कलर मिला के यूज़ किया गया. इस पूरी मिट्टी से मिलकर बनी है, ठीक है ना, मिट्टी के, मिट्टी में कलर मिला के वगैरह वगैरह अलग तरीके से यूज़ करके. हाँ, एक और अच्छी चीज़, अगर आप जो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था, अगर आप उसमें आए होते तो आपको ये सारी पेंटिंग्स, सब कुछ, देश की जितनी संस्कृति, जितने भी GI टैग, आपको सारे देखने को मिलते हैं. खैर, कभी भी अगर कुंभ मेला लगे कहीं भी तो आप ज़रूर जाइए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तलिया रुमल क्या है ये? द तलिया रुमल इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स हैंडवर्क ओवर कॉटन लूम्ड क्लोथ. इट इज क्रिएटेड यूजिंग अ ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस. द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन बी क्रिएटेड ओनली थ्रू अ ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस. द डिज़ाइनर आर क्रिएटेड इन 3 पर्टिकुलर कलर. समझ गए, रेड, वाइट एंड ब्लैक. ज़रूरी चीज़, ज़रूरी जानकारी, ध्यान से नोट करना. What is event world malware? क्या है देखते हैं. द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम CERT ऑफ इंडिया हैज इशू अ वार्निंग अगेंस्ट अ न्यू मालवेयर कॉल्ड अ इवेंट बॉट. द मालवेयर अकॉर्डिंग टू CERT स्टील अ पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड्रॉयड फोन यूज़र. अब मतलब सतर्क हो जाओ, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं, आपके मोबाइल में जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है कि हाँ मैंने इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, और मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं पड़े रहते आपके बैंक के कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, तो ये सारी जानकारी लीक हो रही है, चुराई जा रही है. नोट करना, द इवेंट वर्ल्ड मालवेयर दैट इज स्प्रेडिंग इज ट्रोजन. ये एक ट्रोजन है, ठीक है ना. इट चीट विक्टिम सीक्रेटली अटैकिंग अ कंप्यूटर और फोन ऑपरेटिंग सिस्टम. करंटली द मालवेयर इज कैपेबल ऑफ टारगेटिंग मोर देन 200 डिफरेंट फाइनेंशियल एप्लीकेशंस. ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एप्लीकेशन, उन पर भी ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से अटैक कर रहा है, ठीक है ना. द मालवेयर हैज़ ऑलरेडी लूटेड अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट. मतलब जिन लोगों के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट थे, जैसे बिटकॉइन वगैरह के, उनके जो वॉलेट होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बिटकॉइन का वॉलेट है, उसमें 2 बिटकॉइन है, तो क्या किया उन्होंने, कुछ इस तरीके से मतलब वायरस लगाया कि हम, मैंने जैसे लॉग इन वगैरह किया, कुछ ऑप्शन आया, मैंने ओके वगैरह किया, तो क्रिप्टो करेंसी जो मेरे वॉलेट में थी वो गायब हो गई, चली गई. बैंक अकाउंट इन यूरोप एंड US, इट टारगेट मनी ट्रांसफर सर्विस फाइनेंशियल एप्लीकेशन. समझ गए, जितनी मनी ट्रांसफर सर्विस एप्लीकेशंस हैं उनको ज़्यादातर टारगेट कर रहा है. करंट सिनेरियो की बात करें, अकॉर्डिंग टू CERT द मालवेयर हैज करंटली अटैक फाइनेंशियल एप्लीकेशन सच एज पेपल, यूनिक्रेडिट, HSBC, कॉइनबेस, ट्रांसफरवाइज एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे वो मीडियोकर हैं जो पैसे इधर से उधर भेजने में मदद करते हैं. ठीक है, तो इधर से उधर भेजने में बीच का जो होता है ना, वो ये सारे हैं. ठीक है ना, तो इन पे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है. CERT के बारे में जान लो. CERT ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट इज नोडल एजेंसी इन इंडिया दैट डील विद हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, फिशिंग एक्सेट्रा. फिशिंग के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ. CERT रिप्रेजेंट इंडिया एट अ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन MOU साइंड बाई इंडिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अराउंड 7 कंट्री साइंड दिस MOU. दिस इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, कैनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है कि किसके किसके बीच में ये सिग्नेचर हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल मेजर, द CERT हैज been carrying out several initiatives within India. This mainly include a cyber swachhata kendra. And sir, ye kya hai? Exact. Cyber swachhata kendra aim to create a cyber secure cyber space by a detecting botnet infection within the country. It is operated by CERT according to the provision of section 70B of Information Technology Act 200. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Don't forget to like, comment and share. God bless you. Milte hain fir agli video mein. Tab tak ke liye Jai Hind.